हे गाइस, वेलकम टू ड्रैको गेम्स। तो TH12 ने जैसा जैसा प्रॉमिस किया था सुपर सेल ने TH12 के लिए, उससे इतना ज़्यादा बड़ा अपग्रेड हो रहा है। हम लोगों को क्या लगा था कि TH12 आ रहा, साथ में एक आध कोई कुछ भी अपग्रेड हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा हीरो का एक आध लेवल बढ़ जाएगा, एक आध ट्रूप आ जाएंगे हमारे पास, कुछ थोड़ी मोड़ी कैंप की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया जाएगा, क्लाउड कम कर देंगे। लेकिन रात में सो आप और सुबह उठो तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन कि ये अपग्रेड हो रहा, वो अपग्रेड हो रहा, ये नया ट्रूप है, ये नया कैंप है, ये है फलना है। अरे भाई, सच में COC वाले हो क्या आप लोग? इतना सारा अपग्रेड एक बार में, यहाँ लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे COC, आपने तो ऐसे करके फंदा मारा है उन लोगों पे और खींच लिया है वापस। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे मिलकर कि क्या अपग्रेड आने वाला है, क्या हम लोगों को पता चला है, क्या लीक हुआ है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे जो जो पुराना है और अपग्रेड हो रहा है, और बाद में बात करेंगे नए वाले के बारे में जो कभी किसी ने देखा नहीं, जो नया आने वाला है। ठीक है, तो पुराने पुराने अपग्रेड के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रूप्स अपग्रेड की। तो भाई साहब, ये है हमारे बिल्डर, ये अपना लास्ट सीन था, ये TH12 के ऊपर मार रहे थे, हैमर जैम के टाइम में आया था इन्फॉर्मेशन। उसके बाद क्या हुआ है, TH12 की वीडियो आ गई उनकी। TH12 की वीडियो आने के बाद उसने, मैंने देखा था अपने रिएक्शन मैंने दिया हुआ था। अभी TH12 की वीडियो के बाद जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला बात है, पहली चीज कि हमारा जो अपग्रेड का जो लिस्ट है वो ये है, आप देख सकते हो, दिस इज आवर लिस्ट। इतने सारे ट्रूप्स होंगे हमारे अपग्रेड, जिसमें एक है अपना जायंट, वॉल ब्रेकर, लून, विजार्ड, ड्रैगन, पेक्का, बेबी ड्रैगन, माइनर, मिनियन, हॉग्स, उसके बाद वल्कायरी, वल्कायरी के बाद गोलम, गोलम का भी लेवल बढ़ा रहे हैं वो लोग। उसके बाद है अपने पास विच, विच के बाद लावा, लावा के बाद बोलर, बोलर के बाद तीनों हीरोज। जो तीनों हीरोज हैं हमारे पास, उनके लेवल बढ़ रहे हैं, सबका एक एक लेवल बढ़ेगा और हीरोज के 10 लेवल बढ़ेंगे। मतलब पहले 50 जो था वो 60 हो जाएगा, और जो वार्डन 20 का था वो 30 का होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है। आप देखोगे ये नए लेवल का विजार्ड है, आप देखो दिस इज लेवल 9 विजार्ड, दिस इज आवर लेवल 9 विजार्ड। बहुत अच्छी बात है। अब अगर आगे बात करें तो अवेलेबल अपग्रेड तो आपको पता चल गया कि एक एक लेवल बढ़ने वाला ही है। ठीक है, अब बिल्डिंग अपग्रेड के बारे में बात करते हैं कि बिल्डिंग अपग्रेड में क्या क्या आ रहा है, कौन सी बिल्डिंग अपग्रेड होगी। तो सबसे पहले तो आप जानोगे ये कि TS तो अपग्रेड हो ही रहा है, TS11 से लेकर TS12 को जा रहा है। इसमें अपना कॉस्ट कितना बन रहा है, ये कॉस्ट देखोगे तो 95 लाख, 95 लाख में हमारा जो TH है, वैसे तो 5 लेवल का होना है, इसके ऊपर जो डंडी निकलेगी, मैंने बताया था डंडी निकलेगी, इन्फर्नो टेस्ला टाइप की जो डंडी निकलेगी, 5 लेवल की होगी, लेकिन हमारा जो TH हो है, TH11 से TH12 जाने में 95 लाख लगेगा, 95 लाख। उसके बाद हम बात करें तो बॉम्ब टावर भी अपग्रेड हो रहा है। बॉम्ब टावर के अपग्रेड की कॉस्ट है 1 करोड़ 10 लाख। तो पहले हमारा बॉम्ब टावर लेवल 6 का होता था, अब हो जाएगा लेवल 7 का, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम बात करेंगे ईगल की। तो ईगल TH11 में मैक्स होता था लेवल 2 का, जो अब होगा लेवल 3 का, और इसकी ट्रेनिंग कॉस्ट होगी, इसका बिल्डिंग कॉस्ट होगा 1 करोड़ 20 लाख। उसके बाद आता है विजार्ड टावर, विजार्ड टावर का भी लेवल बढ़ रहा है हमारे पास। विजार्ड टावर की मैन्युफैक्चरिंग जो बिल्डिंग कॉस्ट होगी वो होगी 1 करोड़ 12 लाख, 1 करोड़ 12 लाख में विजार्ड टावर अपना बनेगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो इन्फर्नो टावर्स की, इन्फर्नो टावर का भी लेवल बढ़ रहा है भाई, इन्फर्नो का लेवल बढ़ेगा और वो बढ़ेगा 1 करोड़ 10 लाख में, 1 करोड़ 10 लाख में हमारा इन्फर्नो जो है वो 5 से ऊपर जाएगा। अभी तो मेरा TH11 है, लेवल 5 का है, आप तो देख रहे हो, तो दिस इज गोइंग टू बी अपग्रेडेड। उसके बाद बात आती है आर्चर टावर की। तो आर्चर टावर का भी लेवल बढ़ रहा, एक लेवल बढ़ रहा, 1 करोड़ 10 लाख में, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एक्सबो, एक्सबो लेवल 5 का होता था, जो 1 करोड़ 20 लाख में आप अपग्रेड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप देखोगे कि इतना सारा अपग्रेड है, आपके पास स्टोरेज कितना है, 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ से ऊपर कैसे अपग्रेड करोगे, तो ऑब्वियसली गोल्ड स्टोरेज, एलेक्जरी स्टोरेज बढ़ने वाला है।
तो गोल्ड स्टोरेज का नया लेवल आ चुका है, ये होती है बात। तो गोल्ड स्टोरेज का जो नया लेवल आया है आप देखोगे उसको, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा स्टोर कर सकते हो। मेरे को देखो, मेरे बहुत वेस्ट होता था यार, 1 करोड़ में तुम देखोगे कि दिन भर में कितना सारा वेस्ट हो जाता था, 1 करोड़ से ज्यादा लूटता था, वेस्ट हो जाता था, क्योंकि बिल्डर नहीं खाली रहते थे। चलो अगर हम आप कंफर्मेशन चाहते हो कि अपग्रेड का, तो आप देख सकते हो कि यहां पर Level 3 की विच है, लेकिन इसमें आग नहीं लगी हुई है, मैक्स नहीं है, तो इसका मतलब ये पक्का पक्का अपग्रेड होगा। किंग की लेवल आप देखो, किंग की लेवल आप देखोगे तो ये किंग की लेवल में भी आप देखोगे तो सिचुएशन ऐसी है, आग नहीं लगा हुआ, मतलब ये मैक्स नहीं है, ये और ऊपर जाएगा। अभी मैं बात करूं तो एक नया आने वाला है, क्या चीज आने वाला है, सीज मशीन। आप देखोगे इधर सीज मशीन का आपके पास स्पेस होगा, ये राइट साइड में मेरे सर के ऊपर आप जस्ट देख रहे हो, यहाँ पर सीज मशीन का एक ऑप्शन है। तो सीज मशीन के बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है? क्या इन्फॉर्मेशन है सीज मशीन के बारे में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो उसके अकॉर्डिंग ये TH9 में खुलेगा, 2 लेवल होंगे इसके, TH9 में अनलॉक होगा, TH10 में जाकर मैक्स होगा। तो जो पहले लेवल में खुलेगा उसका नाम होगा ट्रिब्यूचेट, ओके, ट्रिब्यूचेट जो होगा वो TH9 में खुलेगा। उसके बाद एक आएगा जो होगा बैटरिंग रैम। तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आप चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो, मैं इसकी एक एंशियंट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जो मुझे पता है। पुराने टाइम में वॉर में ये दोनों जो मशीन्स हैं, मैंने ट्रिब्यूचेट और बैटरिंग रैम के बारे में बताया, ये दोनों सीज मशीन के अंडर में आती थी, ये सीज मशीन का पार्ट है। जो आपका ट्रिब्यूचेट है वो मैं बता दूं कि किस तरह का होता है, आपने गुलेल कभी चलाया है? ये गुलेल टाइप का होता है, पीछे से टेंशन देके और मारो तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे जाकर हिट करता है काफी दूर तक। तो आपने एक मूवी देखी होगी, बहुत सारी पुरानी मूवी देखी होगी, ट्रॉय देखा होगा, या बहुत सारी पुरानी मूवी जिसमें आप दिखाते होंगे कि एक बड़ी सी मशीन लगी हुई है, उसमें रस्सी लगी हुई है, पीछे में ऐसे आपका गोला लिया और फेंक दिया, ऐसे करके पीछे खींचा, टेंशन दिया और फेंक दिया, तो वो उसको बोलते हैं ट्रिबुचेट, ठीक है? इसमें आप 100 kg एनिमी डिफेंस रेंज, 3 to 9 टाइल्स का रेंज वेंज जो है आप देख लो, डिस्कस कर लो। इस पर चाहोगे तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, मेरे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इसकी, जो सीज मशीन है उसके बारे में, मैं एंशियंट इन्फॉर्मेशन भी मैंने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, मैंने मूवीज़ में देखा हुआ है। तो ये हो गया ट्रिबुशेट जो गुलेल की तरह काम करेगा, जो पीछे से टेंशन देके ऐसा करके फेंकेगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐड करेगा। अब क्या है जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास बैटरिंग रैम। तो बैटरिंग रैम जो होता है वो आपको, अगर आप क्लैश ऑफ क्लैश रॉयल खेलते हो तो आपको पता होगा कि रैम क्या होता है। एक बार क्लैश ऑफ क्लैन में भी रैम आया था, एक इवेंट में बारबेरियन रैम लेके दौड़ते थे ना, उस टाइप का होता है। एक्चुअली में रैम क्या होता है, सीज मशीन के अंडर जो रैम आता है वो एक मशीन होती है जिसमें बहुत ही नुकीली एक लकड़ी लगी होती है, ठीक है? लकड़ी या लोहे का रॉल लगा होता है, वो क्या करता है, दीवार तोड़ने के काम आता है। अगर आपने ब्रेवहार्ट मूवी देखी होगी तो ब्रेवहार्ट मूवी में एक सीन है कि जब इंग्लैंड पर स्कॉटलैंड कब्जा करता है, इंग्लैंड का नॉर्दर्न इंग्लैंड में जाकर हमला करता है, तो उसमें आप देखोगे कि बैटरिंग रैम लेकर जाकर दीवार, वो दरवाजा तोड़ते हैं। उसमें एक बैलगाड़ी टाइप की चीज़ होती है जिसमें बैल नहीं होते, बैटरिंग रैम लगा होता है, और लोग धक्का देकर जाते हैं और दीवार में मारते हैं, धड़ाम से तोड़ते हैं। तो यहाँ पर इसका यूज़ क्या है बैटरिंग रैम का, कि ये दीवार तोड़ेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो कैलकुलेट करेगा, ये TH से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वहाँ से ये दीवार तोड़ता हुआ जाएगा अंदर और ट्रूप्स के लिए वे बनाएगा TH के लिए। तो ये अटैकर के लिए आसान हो गया, लेकिन अब आप इसमें लेवल देखोगे तो लेवल की बात करें तो ट्रेबुचेट जो है वो 4 लेवल तक बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू द लीक्ड इंफॉर्मेशन। ये जो चार लेवल बढ़ रहा उसमें आप कॉस्ट आप देख सकते हो, रिसर्च कॉस्ट देख सकते हो, रिसर्च टाइम देख सकते हो, ये सब दिया हुआ है। और अगर आप उसको देखोगे डैमेज, फ्लिंट रेट, नंबर ऑफ फ्लिंज इन 30 सेकेंड, टोटल डैमेज, ये सब डिटेल है, आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, जो कि धीरे धीरे अपग्रेड होगा तो आपको पता चलेगा। और जो बैटरिंग रैम की है वो 3 लेवल तक बढ़ेगा, इसमें भी ट्रेनिंग कॉस्ट दिया हुआ है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप पढ़ सकते हो। अब हम बात करेंगे नए ट्रूप की जो रिलीज होने वाला है। तो ये मेरे सर के पीछे छुपा हुआ है जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कौन सा ट्रूप है। ये दिखता है ड्रैगन की तरह, ये दिखता है ड्रैगन की तरह, ये बेबी ड्रैगन के बगल में आपको जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है ये आप देखोगे
तो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, तो ये देखो, अगर आप क्लैश रॉयल खेलते हो तो आपको पता होगा कि इस तरह का एक और है जिसके मुंह में इस तरह का बना हुआ है, वो क्लैश रॉयल में आता था जिससे इन्फर्नो जैसी आग निकलती है। अगर आप क्लैश रॉयल खेलते हो तो आपको पता होगा। तो मैं ट्रूप का नाम नहीं बता रहा, लेकिन हो सकता है मे बी इसका नाम मेगा ड्रैगन हो, क्योंकि मेगा ड्रैगन सूट भी कर रहा है। ये बेबी ड्रैगन से ही बड़ा है, इसके ये बस दादाजी होगा। बेबी ड्रैगन का बाप कौन है? ड्रैगन। ड्रैगन का बाप कौन है? मेगा ड्रैगन। तो ये दादाजी ड्रैगन होगा। बहुत अच्छे। तो ये दादाजी ड्रैगन आने वाले हैं। अभी देखते हैं कि इनकी एबिलिटी क्या होगी, क्या होगा वो तो आने के बाद पता चलेगा। तो ये नया ट्रूप है, बिल्कुल नया ट्रूप है। उसके बाद हम बात करेंगे, तो हमारे पास सीसी लेवल इंक्रीज हो रहा है, सीसी लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरे को लगता है कि जो 35 अभी मेरा TH11 में है वो 40 हो जाएगा, मे बी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन 40 हो जाना चाहिए। 40 हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है, या 42 हो जाए, क्योंकि 42 हो जाएगा तो माइनर और बोलर कितने आएंगे? सात सात आ सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अभी क्या होता है ना कि माइनर 30 तक अटता है, उसके बाद एक जाइंट लेना पड़ता है, एक ये लगता है कि विजार्ड लेना पड़ता है, ये परफेक्ट नहीं आता। 42 कर दे, मेरे हिसाब से 42 कर दे सबसे बढ़िया रहेगा। 42 इज द बेस्ट, 40 भी नहीं, 42, क्योंकि 42 में आप आराम से जाइंट 8 जाइंट ले सकते हो, ठीक है, और दो एक वॉल ब्रेकर ले लो, काम आ जाएगा। और अगर आप माइनर ले रहे हो तो बढ़िया 7 आ जाएगा उसमें। माइनर माइनर के लेवल बढ़ाई है इन लोगों ने 5 से 6 अपग्रेड में पहले ही, आप जानते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये अपग्रेड हो रहा है। और आप एक एक बात और देखोगे कि आर्मी कैंप लेवल भी बढ़ रहा है, ये जो है ये नए तरह की आर्मी कैंप, ये इस तरह का तो नहीं था। इसमें मेरे को कहीं कुछ पकता हुआ नहीं दिख रहा, ये अजीब बात है, सारे खा गए लगते हैं मिलके, इससे पहले जो पक रहा था उसमें बैठ के खा गए सब, कुछ बचा नहीं है। खैर, जो आर्मी कैंप लेवल है वो बढ़ रहा, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट थी आर्मी कैंप लेवल की। देखते थे मेरे बॉलर मर जाते थे, जायंट मर जाते थे, TH11 में मैच में अटैक कर रहा हूँ, खत्म हो रहा सब, सारा ट्रॉफी खत्म हो गया। बॉलर कम करूँ कि हीलर कम करूँ कि क्या करूँ, पागल हो जाता। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा अपग्रेड है, चलो बहुत अच्छी बात है। और अभी आप मैं बता दूं कि ये जो नया जो आया है वो नए बैरक्स में होगा, कोई पुराना बैरक्स नहीं है, कोई पुराना बैरक्स इंगेज नहीं होगा। आप देखोगे कि यहाँ आप देख सकते हो 4 बैरक लगे हुए हैं ट्रेनिंग के लिए, तो नए बैरक्स का यूज़ होगा, पुराने बैरक्स पर लोड नहीं पड़ेगा, नए बैरक्स का यूज़ होगा। तो मुझे लगता है कि हमारे पास नया क्या क्या आ रहा है, व्हाट इज़ आवर न्यू, ओके, मेगा ड्रैगन, तो हो सकता है मेगा ड्रैगन के लिए ये हो। दूसरी बात है सीज मशीन, तो हो सकता है, मेरे को लगता है ये मेगा ड्रैगन का बैरक है, दिस इज आवर मेगा ड्रैगन्स बैरक मे बी, और सीज मशीन बैरक, आई डोंट नो कहाँ मैन्युफैक्चर होगा। जैसे आप अगर देखोगे बिल्डर हॉल में तो बैटल मशीन है हमारे पास, तो उसके लिए कोई बैरक नहीं है, बैरक है क्या? नहीं है उस पर कोई। एक बात और है इसमें, एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है कि सीज मशीन में कोई भी स्पेल का नहीं काम करेगा, ऐसा नहीं कि आप रेज मार दो, हील मार दो, मार ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होता। प्लस उसके जो अपोनेंट के हीरोज़ हैं वो अटैक कर सकते हैं आपके सीज मशीन को, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। चलो ठीक है, डिफेंस के हिसाब से तो ये मुझे लगता है ये मेगा ड्रैगन जैसा मैंने कहा, या फिर जो भी नाम हो उसका, उसका हो सकता है। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट की बात करूँगा तो नेक्स्ट आप देखोगे कि वॉल्स, वॉल्स की लेवल बढ़ रही भाई, यहाँ मुझा सीमेंट की दीवारें हुई नहीं है मेरी, और ससुरों ने बढ़ा दिया है वॉल का लेवल। अबे ये ब्लू, एक आप लोगों कितनों को याद है कि पहले ब्लू वॉल्स होती थी, मुझे बहुत पसंद थी, या सफ़ेद वॉल से ज़्यादा अच्छी थी वो ब्लू वाली वॉल्स। तो ब्लू वॉल्स को हटाया, फिर सफ़ेद वॉल्स लाया, फिर नीचे में ब्लू लाइट लगा दी, अबे LED लाइट लगा दी है व्हाइट वाली वॉल में, नई लेवल हो गई वॉल की। बढ़िया। तो अपने पास नए लेवल की वॉल है। तो अभी एक और इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि जो जो नए वॉल की कॉस्ट होगी वो 50 लाख, गोल्डन एलेक्जर में पहले भी होता था, अब भी गोल्डन एलेक्जर में हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बॉलर का जो लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, बॉलर का जो लेवल बढ़ रहा है हम लोग का Level 3 से जो बढ़ रहा है आगे, तो आप देखोगे इसकी जो बॉल है रंग बिरंगी हो गई है भाई, टेस्ट मैच से वनडे मैच में आ गया है ये पहले टेस्ट मैच खेलता था सादी सादी बॉल लेकर, अब वनडे मैच में आ गया है। एक्चुअली में वनडे मैच में ही रंगीन बॉल होती, टेस्ट मैच में, सॉरी, टेस्ट मैच में ही रंगीन बॉल होती, वनडे मैच में व्हाइट बॉल, अब तो मिक्स कर दिया, पिंक बॉल भी यूज़ करते लोग, तो भाई बॉलर को भी लिबर्टी मिल गई है पिंक बॉल। आप देखो ऑरेंज है, ऑरेंज दिख रहा, सॉरी पिंक नहीं है भाई, ये बत्ती जल रही है, LED लगा दिया है बॉल में। बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया, अभी आप देखोगे कि यहाँ पर जो हीरोज़ की लेवल है
वो 60 दिख रही, ठीक है। और ये अपना वार्डन जो है, वार्डन अपना 30 का दिख रहा। आप देखो, मैं दिखा देता हूँ, वार्डन की लेवल, देखो वार्डन की लेवल 30 दिख रही। मेरे पीछे वार्डन छुप गया है, स्टैचू बना हुआ है, ठीक है। तो वार्डन की लेवल 30 हो रही, और 50 50 के जो हो रहे थे हीरोज वो 60 60 के हो चुके हैं, क्वीन और बारबेरियन किंग। वेरी नाइस। तो अब मैं बात करूं अगर इंफॉर्मेशन की, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लीक्ड इंफॉर्मेशन है जो मुझे आई, जो मैंने आपको बताया, बहुत अच्छी बात है। और अपग्रेड का जो टाइम है वो आप देखोगे तो 16 दिन हो रहा है अपने टीएच के अपग्रेड का, और बाकी का जो अपग्रेड है पहले तो 14 दिन में होता था, याद होगा आप लोगों को, तो वो 16 दिन में हो रहा है। तो 14 डेज आर गॉन नाउ, अब 16 दिन की बात है कि नहीं? ठीक है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, और जितना आया मैंने आपको बताया। अगर आगे आता है तो कोई ना कोई तो बता ही देगा, नहीं तो मैं हूँ ही बताने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी करना, लाइक करने के बाद शेयर भी करना, क्योंकि माई नेम इज़ ड्रैक एंड आई एम टू टाइम।